नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल गंगाराम राशि रत्न केंद्र में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रातःकाल सोकर जगने के बाद व्यक्ति को कौन से 6 कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन के कार्यों को प्रभावित करती है। दिन की शुरुआत अच्छी हो तो व्यक्ति का पूरा दिन स्फूर्ति से भरा हुआ रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके रख देती हैं, जबकि कुछ अच्छी आदतें व्यक्ति को करोड़पति बनाती है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या दोस्तों आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को प्रातःकाल सोकर उठते ही शीशा देखने की हैबिट होती है, जबकि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूरा दिन मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है, इसीलिए प्रातःकाल उठकर शीशा ना देखें। प्रातःकाल सोकर जब आप उठे तो व्यक्ति को अपनी परछाई देखने से भी बचना चाहिए। परछाई देखने से मस्तिष्क में चिंता और तनाव का माहौल बना रहता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों की माने तो प्रातःकाल तेल से भरा हुआ बर्तन या तेल लगा हुआ बर्तन भी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। इसलिए रात को सोते समय अपने आसपास ऐसी वस्तुएं रखकर आप बिल्कुल भी ना सोएं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि प्रातःकाल उठकर अपना मोबाइल चेक करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी नकारात्मक नेगेटिव खबरें रहती हैं जो आपके दिल पर और दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती हैं और जिनका प्रभाव आपके बिजनेस पर व्यापार पर भी पड़ना स्वाभाविक है। चूँकि हमारे इंटरनल माइंड के अंदर जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, हमारे बिजनेस और व्यापार में भी उसी तरह की एक्टिविटी होनी ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल अपनी दैनिक दिनचर्या, मंत्र जाप, साधना और नाश्ता आदि करने के उपरांत ही सोशल मीडिया पर आप जाएं तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप अपने बेडरूम में भूलकर भी जानवरों के चित्र ना लगाएं। यदि प्रातःकाल जानवरों के चित्र आपके सामने पड़ते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का पूरा दिन उलझनों से भरा हुआ रहता है। इसके विपरीत प्रातःकाल उठकर भगवान नाम का उच्चारण करें, कर दर्शन करें, दोनों हाथों को देखें, क्योंकि हाथों में बहुत ऊर्जा होती है। ऐसे करके अपने दोनों हाथों को देखें, साथ ही साथ में स्नान आदि के पश्चात मंत्र जाप आदि करके अन्य कार्य करें। आज की जानकारी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है, और मैं कामना करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ भविष्य में भी, वही मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।